नक्सर में किसान यूनियन क्रांति ने प्रदर्शन किया, जहां यूनियन ने उप जिलाधिकारी कार्यालय में 9 मांग पत्र सौंपे। इस दौरान किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां मौजूद रहे। किसान यूनियन ने फसलों का 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा देने की मांग की, साथ ही बिजली बिल माफी की भी मांग रखी। किसानों का ये कहना है कि बाढ़ मुआवजे में लेखपाल रिश्वत मांग रहे हैं। अधिकारी जो है न किसानों की सुन नहीं रहे, न सरकार की सुन रहे, अपनी मनमानी कर रहे। पहले तो उसके मुँह में जी रहा 11,000 रुपए बीघा इसका मुआवजा होना चाहिए, ये 1,100 रुपए दे रहे। हम सरकार की प्रशासन की बहुत निंदा करते हैं किसान यूनियन क्रांति। दूसरी बात यह है कि इनके जो अधिकारी है उन पर कोई वो नहीं, अंकुश नहीं है, निरंकुश होकर पब्लिक को परेशान करते फिर। जिसका मकान गिरे उसको नहीं लिख रहे, जमीन एक सेक्टर में एक नंबर, एक टर्म वाइज नंबर है, बीच में उठा का नंबर निचले में फसल दिखा दी। यह जी पटवारियों की तनाशाही बढ़ती जा रही, जो गांव में पटवारी जा रहे, एक विशेष व्यक्ति के यहाँ जाकर का सबके नाम लिखना। और इसी मध्य में हम एटीएम साहब के यहाँ आए थे, हमने अपना ज्ञापन सौंपा, और जो है पटवारियों का सही रवैया जनता के खिलाफ नहीं है। जिसने 2 रुपए दे दिए उसका चाक बना दिया। गरीब किसान है, किसानों के घर में चाय बनाने को चीनी तक के पैसे नहीं है। कुछ पदाधिकारी मेरे पास आए थे, उनकी एक मुझे ज्ञापन सौंप गए हैं, जिसमें कुछ मांगे इन्होंने अपने ज्ञापन के माध्यम से रखी हैं, जिसमें मुआवजा संबंधी है कि मुआवजा बढ़ाया जाना चाहिए, कुछ बिजली के जो बिल हैं उसको माफ़ करना चाहिए, तो इस तरह की कुछ मांगे रखी हैं। तो ये मुझे मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन है, इसको मैं प्रस्तुत करूँगा।